Hey guys, hello, how are you all? I hope all of you are fine and superb. This is my new blog number 7. आज हम जा रहे हैं मैत्री सेतु, जो कि है शाहरुम पे, मेरे घर से ज़्यादा दूर है नहीं है. सोचिए कि 6 से 7 किलोमीटर होगा सुनाई से शाहरुम. तो हम जा रहे हैं फिलहाल शॉर्टकट से, ओके, मीन्स सुनाई टू जोलेफा भाया शाहरुम, फिर मैत्री सेतु पे पहुँचते हैं. यहाँ पे मैं फेस कैम तो नहीं कर रहा, सीधा डायरेक्टली आप लोगों को सीधा कैमरे पे मिल रहा हूँ. फेस कैम करूँगा धीरे करके. ये मेरा त्रिपुरा का लास्ट कुछ 1-2 वीडियो होगा, फिर मैं जा रहा हूँ बाहर कहीं पे, तो वहीं पे ब्लॉग करूँगा. आप लोग घर बैठे बैठे आप ब्लॉग का मज़ा ले सकते हो, यहाँ बैठे बैठे आप लोग देशभर देख सकते हो. मेरे चैनल पर मैं कंटिन्यू करूँगा. अगर आप कुछ गलत लगता है तो बोल सकते हैं ये हमारा साउथ का कुछ व्यू है, पेडी फील्ड वगैरह. अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है. ये फ़िलहाल मेरे घर से फ़िलहाल 1.5 किलोमीटर आया हूँ, फ़िलहाल चल रहा हूँ. ये हाफ है, ये भी हमारा लोकल एरिया ही है. ये जोलेफा का दुर्गा बारी कहता है. ये फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं जोलेफा के आसपास. ये जोलेफा के आसपास के रास्ता है, देख सकते हो व्यू नज़ारा. देखिए गाँव है, ये हमारा गाँव है साउथ का. आपको गाँव का लाइफ अच्छा लगता है या शहर अच्छा लगता है, आप लोग बोल सकते हो कमेंट सेक्शन पे. फिलहाल हम जा रहे हैं, आज धीरे धीरे चल रहे हैं बात के साथ में और मेरा दोस्त सुब्रत. तो बस मिलते हैं मैत्री सेतु पे. वो फ़िलहाल बनाया है तो कुछ साल तो हो ही रहा है, फ़िलहाल मैं गया नहीं है तो इस बार सोचा जाके ब्लॉग कर दूँ. बहुत सारे यूट्यूबर ने ऑलरेडी ब्लॉग बना चुका है तो मैंने भी सोचा बना लूँ. तो बस आप लोग भी देख सकते हो और बोलना. हम जोलेफा तक आ चुके हैं, जोलेफा से होके अभी शाहरुम के लिए निकल चुके हैं. ये हाईवे है, देख सकते हो हमारा NH8 नेशनल हाईवे 8 अगरतला टू शाहरुम. आप लोग को मैं नेशनल हाईवे हमारा नेशनल हाईवे 8 के 8 को भी दिखाऊंगा कुछ दिनों में. आप लोग देख सकते हो यह है हमारा नेशनल हाईवे 8. कुछ काम किया हो या ना किया हो, यह हाईवे बना के बहुत मस्त काम किया है गवर्नमेंट ने, कसम से. अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, दोपहर के बज रहा है 2 बजे, हम लोग निकल चुके हैं. 2 बजे जा रहे हैं क्योंकि धूप वगैरह तो चलता है. अभी फ़िलहाल धूप तो यहाँ पे बहुत निकल चुका है, बहुत गर्मी है भाई, तो ऐसा है. तो अब फ़िलहाल चलते हैं, चलिए देखिए. ये हमारा शाहरुम कॉलेज का एरिया है, शाहरुम MMD कॉलेज, माइकल मधुसूदन दत्त कॉलेज है लेफ्ट साइड में. कभी आइएगा तो देख सकते हो आप लोग. ये जो गाड़ी जहाँ पर खड़ा हुआ है वहीं पे कॉलेज है, ये वाला इस तरफ का रास्ते पे कॉलेज है. फिलहाल हम दमदमा हो के निकलने वाले हैं और मेरे बाइक में पेट्रोल भी थोड़ा कम है, तो फिलहाल पेट्रोल भी डलवाने जाना है. पता नहीं कितना करके प्राइस होगा. तो और थोड़ा और थोड़े देर में और 2 से 3 मिनट के बाद ही हम लोग पहुँच जाएंगे मैत्री सेतु. फिलहाल पेट्रोल पम्प पे जाके पेट्रोल भरवाते हैं, सामने में ही है पेट्रोल पम्प. तो चलिए देखते हैं, फिर जाके बात करते हैं भाई लोग. बिना तेल के कोई गांड मस्ती नहीं होता है भाई लोग, तो क्या बोलूँ मैं. फ़िलहाल राइट साइड पे लेना है हम लोग को, फ़िलहाल राइट साइड पे लेके हमें पेट्रोल भरवाना है. चलिए देखते हैं पेट्रोल का प्राइस वगैरह कितना है. ज़्यादा नहीं डलवाऊँगा, 2 से 3 लीटर डलवाऊँगा बस उतना ही. ये ऑफ रोड कीचर के सारे अंकल जी थोड़ा साइड हटो ना. हाँ तो अभी हम लोग चल रहे हैं फिलहाल पेट्रोल पंप, नया वाला पेट्रोल पंप है हमारा साउथ का. हमारे यहाँ 2 पेट्रोल पंप है, एक फ़िलहाल उस पर तेल नहीं है, ये दूसरा नया है, अभी जस्ट कुछ महीने हुआ है, 4 से 5 महीना. तो फिलहाल यहाँ का तेल भी अच्छा है, तो यहाँ पे तेल का लाइन लगा हुआ है तो थोड़ा वेट करना पड़ रहा है. ये BOC फ़िलहाल भर चुका हूँ 3 लीटर जैसा, तो बस 300 रुपये का 3 लीटर भरा हूँ. उतना ही गरीबों का सलमान खान जो हूँ भाई, गरीबों का सलमान खान होने से ऐसा ही होता है. तो ये हमारा मैत्री सेतु का रास्ता है, मैत्री सेतु की तरफ. ये भी छोटा मोटा हाईवे है, धीरे करके शायद से 4 लेन हो सकता है. तो और थोड़ी देर पे पहुंचने वाले हैं, तो देख सकते हो और थोड़ा करीब है. ये भी फिलहाल 1.5 किलोमीटर होगा मेन रोड से. तो ये हम और दूसरे टर्न पे मैत्री सेतु है, तो फिलहाल वहाँ जाके बात करते हैं. तो देखिए आज वेदर काफ़ी सुहाना है, मस्त है. ये मैत्री सेतु आ चुका है, आप देख सकते हो. ये मेरा बाइक है और ये घुमाते हुए सीधा एक्शन ले बेटा. मैत्री सेतु आ चुके हैं हम, अब थोड़ा वॉक करके दिखाते हैं साइड से.
तो आप देख सकते हो ये पीछे से हम घुस रहे हैं मैत्री सेतु में, ज़्यादा अंदर तो जा नहीं सकते हैं फिलहाल, थोड़ा ही जाना पड़ता है, ऐसा परमिशन है। पहले जा पाता था पर पहले मैंने वीडियो बनाया नहीं है, तो अभी फ़िलहाल इतना ही। तो आप देख सकते हो साइड से ऐसा है मतलब मेन रोड में ब्रिज जैसा, पर बहुत मस्त है, बहुत पैसा खर्चा किया है, नियर अबाउट 6-7 crore होगा। तो ये देख सकते हो बिल्ड क्वालिटी, इसके बाद डिज़ाइन वगैरह अच्छा इंजीनियर वगैरह से बनाया। तो ये साइड से देख सकते हो बड़ा बड़ा दो पिलर है, ये देखिए बीच से कुछ ऐसा दिखता है हमारा मस्जिद। मेरे पास तो ड्रोन वगैरह है नहीं है, वरना मैं आप लोग को ड्रोन शॉट लेके दिखाता, पर फिलहाल एक दिन मेरे पास बहुत ड्रोन होगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तो मुझे बहुत खुशी होता है। 210 था सब्सक्राइबर, उससे भी 70 हुआ है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, मुझे बहुत खुशी है। मैं आप लोग के वीडियो लाता रहूँगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, तो बस उससे मुझे खुशी मिलता है। कमेंट कीजिए, बताइए कुछ प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, तो मैं कर सकता हूँ। फिलहाल हमारा साहब से तो कोई ब्लॉगर वगैरह है नहीं है, तो मेरा एक पहचान बनना चाहता हूँ वही, और मुझे ब्लॉगिंग करना भी बहुत पसंद है। और देखिए ये हमारा मैत्री ब्रिज है, कुछ ऐसा दिखता है, वो हमारा फेनी नदी है राइट साइड में, इस तरफ भी हमारा शाबरूम है, शाबरूम पे ये स्थिर है, ये फेनी नदी है, देख सकते हो आप बड़ा वाला। फिलहाल बहुत गहराई है और इस बारिश भी हुआ, इसके कारण पानी कुछ ज़्यादा ही है, तो आप लोग देख सकते हो। अभी फ़िलहाल दूसरा वॉक देखिए ब्रिज का, तो थोड़ी देर पे हम लोग निकल जाएंगे, तो इतना काफ़ी है। मेरे पास ड्रोन वगैरह नहीं, तो इतना छोटा सा वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं थोड़ी देर में। तो ये देख सकते हो BSF वहाँ बैठा हुआ है, ये ब्रिज का कुछ नज़ारा है। अब फिलहाल घर के लिए निकलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगला वीडियो पे। थैंक यू, लव यू गाइस, टेक केयर, ओके, बाय बाय।